सबसे पहले बात करेंगे ईद शॉपिंग के हवाले से, जो इस वक्त अरूज पर चल रही है। बाजारों की रौनकें दुबाला हो चुकी हैं। ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं और ख्वातीन को मैचिंग बैग्स, ज्वेलरी और जूतों की तलाश है। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खूब रश देखने को मिल रहा है। जगह जगह भावताव चल रहा है और मार्केट्स में इस वक्त रेडीमेड मलबूसात की मांग में भी इजाफा हो गया है। साथ साथ शॉपिंग चल रही है और साथ ही साथ महंगाई के शिकवे भी चल रहे हैं। तो मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। कराची से हमारे साथ होंगी रुताबा रूस, इस्लामाबाद से मरियम इलाही हमें ज्वाइन करेंगी, मुल्तान से जैनब गुरदेजी हमारे साथ होंगी और क्वेटा से सुमन इस्माइल हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। रुताबा, कहां तक पहुंची खवातीन की शॉपिंग, किस मार्केट में मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रही हैं अपने अराउंड? इस वक्त मैं तारिक रोड पर मौजूद हूँ। खवातीन की शॉपिंग जो है वो जोरों शोर से जारी है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल चांद रात और अभी जो है खासी शॉपिंग बची है, तो इसलिए खवातीन यहाँ ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। किसी को मैचिंग जूतों की तलाश है तो कोई रेडीमेड मलबूसात खरीद रहा है। खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रही है और जैसे जैसे रश बढ़ता जा रहा है, लोगों की तादाद में यहाँ पर इजाफा होता जा रहा है। लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों की शॉपिंग बहुत सारी रहती है, उन्हें अपनी सारी एसेसरीज चाहिए। इसके साथ साथ खवातीन को भी ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी, हर चीज़ की शॉपिंग जो है वो अभी बाकी है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। खवातीन जो है अपनी शॉपिंग में यहाँ मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। मर्द हजरात भी यहाँ पर उनके साथ आए हुए हैं, शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। सबका यही कहना है कि क्योंकि महंगाई में इजाफा हुआ है तो शॉपिंग पर इफेक्ट तो आया है, लेकिन फिर भी ईद क्योंकि खुशियों का त्यौहार है, शॉपिंग तो लाजमी करनी है। लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर कपड़ों की प्राइजेस काफ़ी बढ़ गई हैं, टेलर से भी जो है वो खासे नखरे दिखाना शुरू कर दिए हैं और अब वक्त भी कम है, इसलिए सही वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। रुताबा रूस, आप हमारे साथ ही रह गए, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है मरियम इलाही से जान लेते हैं। मरियम, आप बताइए कहाँ तक पहुँचे यहाँ पे खवातीन की शॉपिंग? जी देखें, इस वक्त ख्वातीन की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची ये कहना बिल्कुल भी जो है वो जायज़ नहीं है कि कोई इख्तिताम पज़ीर होने लगी है या कोई करीब है, एंडिंग उनके करीब है। यहाँ पर जिस वक्त आप ख्वातीन को शॉप करते हुए देखें तो इट लुक्स है कि उनकी शॉपिंग अभी शुरू हुई है। मुझे ज़्यादा तौर पर लग रहा था कि अब तक जो है यहाँ पर जो कपड़ों की चीज़ें हैं वो हो गई होंगी और लोग अपनी ज्वेलरी की तरफ आ गए होंगे। जिस जगह पर मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पर ज्वेलरी के, चूड़ियों के, मेहंदी के, ये सब चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट एक्सेसरीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेकिन ख्वातीन यहाँ पीछे मार्केट में भी जा रही हैं, वहाँ भी अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर रही है और यहाँ पर स्पेशली जिस एरिया में मौजूद हूँ प्रिडोमिनेंटली यहाँ पर जो है मैं यंग लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। डिफरेंट स्टॉल्स के ऊपर वो अपनी मेहंदी के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो अपनी पसंद के दिखा रही हैं, तो वो लगवा रही हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि खवातीन अपने साथ छोटी छोटी बच्चियों को लाई हुई हैं और वो अपने बच्चियों को जो है वो डिज़ाइन दिखा दिखा के मेहंदी लगवा रही हैं। एक्सेसरीज़ की बात कर लें तो यहाँ पर कंगन, चूड़ियाँ, झुमके जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड में है। कई ऐसी लड़कियों को मैंने देखा जो स्पेसिफिकली मैचिंग जो झुमके थे वो उनकी कोशिश थी कि उनको मिल जाए, तो यहाँ पर भी इस वक्त गेमा गेमी इस्लामाबाद की मार्केट्स में बिल्कुल उरूज पे और स्पेशली पोस्ट इफ्तार जो टाइमिंग्स है हमारी 9 बजे के बाद मैंने देखा भी ये तो ऐसा लग रहा है मरियम को कि जैसे अभी खवातीन की शॉपिंग शुरू हुई है। मुल्तान की सूरत हाल जान लेते हैं, जैनब गुरदेजी हमारे साथ होंगी। जैनब, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि खवातीन का भी कोई मूड नहीं है अपनी शॉपिंग को इख्तिताम पज़ीर करने का, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्तान के बाज़ारों में भी ख़वातीन की जो गहमा गहमी है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ख़वातीन ने शॉपिंग से बस नहीं करनी। मैं इस टाइम मुल्तान के गुरदेजी मार्केट में मौजूद हूँ जो कि एक यहाँ का मशहूर और कदीमी बाज़ार है। यहाँ पर ख़वातीन एक दुकान से दूसरी दुकान में जा रही है, किसी को मैचिंग ज्वेलरी चाहिए तो कोई रंग बिरंगे दुपट्टों की तलाश में फिर रहा है। ख़वातीन तो ख़वातीन, मर्द हज़रात भी किसी से कम नहीं है। किसी को पेशावरी चप्पल चाहिए तो कोई मुल्तानी खुशे लेने की तलाश में फिर रहा है। उसके अलावा बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। किसी को रंग बिरंगी घड़ियाँ चाहिए तो कोई स्टाइलिश एनको के स्टॉल्स पर है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पर, जिसकी वजह से अफ्तारी के बाद से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर बाज़ार में मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो देखने में नज़र आ रही है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी है उसके भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान पुलिस इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तकरीबन 500 से ज़ायद जो अहलकार हैं वो बाज़ार में तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उसके अलावा जो मुल्तान पुलिस की जानिब से यहाँ पर बैरियर्स लगाए गए हैं और वन वे किया गया है, गाड़ियों की जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म की जो नागहानी आफत है, नागहानी सूरत हाल है उससे बचा जा सके। चेकिंग भी जारी है, वॉक थ्रू गेट्स भी बाज़ारों में लगाए गए हैं। उसके अलावा ख़वातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग के हवाले से एक्टिव
शॉपिंग चल रही है मुल्तान में भी। जैनब आप हमारे साथ ही रहिएगा, कोयटा की सूरतेहाल जान लेते हैं। सुमन आप बताइए यहाँ पे क्या ट्रेडिशन है शॉपिंग के हवाले से, ज्यादा तादाद खवातीन की आप देख रही हैं या मर्द हजरात शॉपिंग कर रहे हैं, और कहाँ तक पहुँची सबकी शॉपिंग? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रुझान है कि ख़वातीन की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है बाज़ारों में, और वो अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करती नज़र आती हैं। बिल्कुल, ईद में अब करीबन एक से दो रोज़ ही बचे हैं, जिसके वजह से जो है वो कोयटा के बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा रश है मेहंदी चूड़ियों और जूतों पर जो है वो ख़वातीन का ख़ास फोकस है। अगर हम बात करें ख़ुसूसन ख़वातीन की ड्रेसिंग के हवाले से, तो इस ईद पर जो है वो बलूचिस्तान में, ख़ासकर कोयटा की ख़वातीन जो हैं वो बलूचिस्तान के जो ट्रेडिशनल जो हमारी दस्तकारी होती है, हमारे डिफरेंट जो कपड़े होते हैं वो लेती, और ख़वातीन मखसूस जो है वो कोयटा के खुद से जो एम्ब्रॉयडरी, जो हमारी बलोची एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें होती हैं वो खरीदती हुई नज़र आ रही हैं। जी सही, तो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो ख़रीद रही हैं कोयटा में ख़वातीन। सुमन आप हमें वहाँ की तफसीलात बता रही थी, आपका शुक्रिया। मुल्तान से ज़ैनब गर्देजी आप हमारे साथ थी, इस्लामाबाद से मरियम इलाही ने हमें ज्वाइन किया, कराची से रिता बारूस हमारे साथ थी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोस बुध ही होने का कवी इम्कान है, और महकमा मौसमियात की ईद का चांद कल नजर आने की पेशगोई, कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोए तहलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया, ईद उल फितर बुध को ही होगी। और अब बात करें साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच होंगे, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच होंगे, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच होंगे, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। नौवे मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 20 अफराद सजाएं मुकम्मल होने से कबल रहा। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आर्मी चीफ ने 20 अफराद की सजा माफ की। 6 और 7 अप्रैल को रिहा किए गए अफराद अब तक 9 से 10 माह की सजा काट चुके हैं। नौवे मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 20 अफराद सजाएं मुकम्मल होने से कबल रिहा कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। सऊदी वलीअहद की शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफा ताल्लुकात और इक्तिसादी तआवुन को फरोग देने के अज़्म का इआदा, दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने पर भी जोर दिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब रोकने की दरख्वास्त काबिले समाअत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। अदालत ने पीटीआई के 5 सेनेटर्स के इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर एतराजात भी दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर जारी किया। पीटीआई सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी सेनेट का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा किया था। सेनेट के 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बरदारी, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कल होगा। और आपको बताएं कि साकदार सेनेट इजलास की बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद किया है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी ने रबतों का अमल तेज़ कर दिया है। खसूसी कमेटी के अरकान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से रबते। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से शरी रहमान और नवीद कमर का रबता हुआ। इंतखाबात के लिए लाहे अमल तश्कील दे दिया। दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण का आगाज अब से कुछ देर बाद होगा। सूरज ग्रहण मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में नजर आएगा। सूरज ग्रहण का आगाज मेक्सिको से होगा। शुमाल मशरक के सिमत में अमेरिका की तरफ सफर करता हुआ कनाडा में अख्ताम पजीर होगा। मेक्सिको में सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:07 पर होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा, जबकि मगरबी यूरोप, जनूबी अमेरिका, अटलांटिक समेत दीगर मकाम पर सूरज ग्रहण दिखाई देगा। इसके बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण आइंदा 20 बरस बाद होगा। साल का दूसरा सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्सों में मुतवक्के है।